वेलकम बैक टू माय चैनल दुनिया सभा उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे तो फ्रेंड्स अगेन हम बुढ़्क्की के मेले चार फरवरी को आ जाए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखा दें कि चार फरवरी को मेला लगा है या कितनी दुकानें लगी हैं कितनी हटी हैं चैनल पर ना हो उसे जल्दी से लाइक सब्सक्राइब बिलकन के बटन पर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे साथ ही मिस संध्या मेरे साथ आई हैं देख सकते हैं तो अभी हम लोग जाते हैं देखते हैं क्या सस्ता माल है लूटते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोगों ने मेले में एंट्री ले ली तो स्ट्रीट पे हमें यहाँ पर फ्लावर स्पॉट दिख गए ये बहुत ही ज्यादा अच्छे थे पहले 200 के दो थे बट यहाँ पर अब 150 के दो कर दिए हैं तो देख सकते हैं कि ये वाला भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था और बहुत प्यारे प्यारे से कलर थे तो ये सब आपको जब आप मेले में एंट्री करोगे सामने ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और डोर मैट्स वगैरह भी देखने को मिलेगी दस रुपये हर माल भी लगा हुआ था सब कुछ था बट दोस्तों चार फरवरी का मौसम तो आपको पता ही होगा कैसा है और साथ ही आपको यहां पर ये ज़मीन में सब लगाए हुए थे पाँच पाँच रुपए में और मैं फिर कालीन के पास आ गई तो तीन हज़ार में बहुत ही प्यारी ये कालीनें लगी हुई थी तो फ्रेंड्स तीन हज़ार इन्होंने बोले थे बट आप जब लेंगे तो कम भी हो जाएगा तो कालीन वगैरह भी बहुत खूबसूरत थी मतलब सारी दुकानें अभी लगी हुई हैं तो 18 फरवरी तक ये मेला रहेगा तो कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो जाएंगे भी दुकानें लेकिन बाकी जितनी है सारी लगी हुई हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली कालीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये इन्होंने छ की बताई थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी तो इसलिए इन्होंने छ बताई थी और मैं बार बार बोलती हूँ कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करा सकते हैं और फ्रेंड्स कमेंट जरूर किया करिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि मैं आपके लिए बना तो फ्रेंड्स यहाँ पे लकड़ी की स्पून मैं देख रही थी पचास रुपए में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे और की होल्डर्स वगैरह थे कोस्टर वगैरह आपको बहुत ही अच्छे डिजाइन के मिल जाएंगे थ्री में थ्री हंड्रेड में ये सारी आ, मतलब लकड़ी की ट्रे थी जो ढाई सौ की इन्होंने बोली थी दो सौ वाली भी थी तो इस टाइप की आपको यहाँ पे लकड़ी का सामान मिल जाएगा स्टूल वग़ैरह हैं लकड़ी के देख सकते हैं दोस्तों ये सारे स्टैंड है स्टूल के प्राइस की बात करूँ तो पंद्रह सौ का भी आपको मिल जाएगा दो हजार का भी मिल जाएगा ढाई हजार का भी मिल जाएगा मतलब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करा कर ले सकते हैं और देख सकते हैं ये वाला स्टूल है तो ये सारी चीज़ें और सबसे प्यारा तो मुझे यहाँ पर लकड़ी का सामान लगा ये कॉर्नर स्टैंड देख सकते हैं कितना खूबसूरत है जैसे आप घर में कॉर्नर पे रखना चाहो सोफ़े वगैरह हैं काउच वगैरह है ये सारी चीज़ें अभी मेले में हैं अगर आप अभी भी लेना चाहते हो फर्नीचर में कुछ भी तो आप ले सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर ये ढका हुआ कुछ सामान है क्योंकि बारिश हो रही थी फ्रेंड्स और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं वीडियो बनाना नहीं रोक रही थी थोड़ा बहुत भीग भी रही थी साथ ही यहाँ पर आपको मैं ये वाली चेयर सेट दिखा रही हूँ ये भी बहुत प्यारा लग रहा था चार का था और देख सकते हैं मौसम बिगड़ता ही चला जा रहा है हम लोग आ तो गए थे बट बहुत टाइम लगा है बारिश में बैठना पड़ गया ये वाला देख सकते हैं चेयर कितनी खूबसूरत लग रही है ड्रेसर था जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा इस टाइप की सारी चीजें फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे कॉइन लकड़ी का था ये भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था मतलब लकड़ी का सामान तो बहुत ही अच्छा अच्छा है प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है ट्रे वगैरह देख सकते हैं स्क्वायर में कितनी ज़्यादा अच्छी है और ये तो रोटी बेलने वाला पटरा था स्पून वगैरह थे सारी चीजें थी और ये सब डेकोरेटिव आइटम भी आपको देखने को मिलेंगे और ये ईचिंग के लिए है ये भी आप ले सकते हैं बहुत ही अच्छा सामान था जितना भी था तो दोस्तों ये सारे में आपको की होल्डर्स मिल रहे हैं जैसे कि आप चाबियों के लिए लेना चाहते हैं या किसी भी चीज को हैंग करना चाहते हैं उस परपज से ले सकते हैं डेकोरेटिव लकड़ी में आइटम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है तो ये भैया की जहां पर सारे फर्नीचर की दुकानें वहां पर ये लगे हुए थे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से अभी मैं आपको और दिखाऊंगी यहाँ पे बहुत बड़ी फर्नीचर की जो दुकाने लगी हैं एरिये में लगा दी गई हैं है तो तो भैया बोल रहे हैं वो तो कल चले जाएंगे पैक कर लेंगे और देख सकते हैं सारा सामान भीग रहा है इन लोगों का सब लकड़ी का जितना भी है अभी और कंटिन्यू करेंगे वीडियो लेकिन अभी संध्या खड़ी हुई है बारिश में देख सकते हैं इनको बारिश से बहुत डर लगता है बेचारी तो 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 बैठे हुए हैं और मेले का ले रहे, सब सब ने दी और ये संध्या सिंह मेरे साथ आई है उनसे उधार ही लेकर पांच सौ रुपए उधार लेगी तभी ये जो है शॉपिंग करे राज बता दी तो जो सच है मैं वही बोलती उधार लिया था दो हमने कपूर तो उधार लिया वो बेचारे चढ़ रहे ऊपर तो फ्रेंड्स जब थोड़ी बारिश रुकी हम एक दूसरी जगह आ गए जहां पर हमें दस रूपये हर माल में बहुत ही अच्छा सामान मिल रहा था यानी फाइबर पे दे रखा था जैसे कटोरी वगैरह है प्रचे वगैरह है प्लेट थी छोटी ये सारी दस दस रुपए में आप ले सकते हैं बड़े बड़े स्पून थे जो आपको दस रूपये में मिल रहे थे तो दोस्तों एक चीज मैंने यहाँ से बहुत ही अच्छी बाय करी है अभी मैं आपको दिखाऊंगी भाई उसको देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया क्योंकि मुझे दस रुपए में बहुत ही अच्छा मिल गया सो देख सकते हैं बड़े बड़े स्पून आपको दस दस रुपये में मिल जाए ये काफी ज्यादा यूज होते हैं दोस्तों मल्टीपर्पज किचन में यूजफुल होते हैं तो टेन रुपीज में और आप क्या लेंगे अच्छे खासे बाउल हैं जो में आपको देखने को मिल ये यहाँ ये बहुत बड़ी पर दुकानें लगी हुई थी उसी के नीचे तो ये में आपको मिल रहा है जैसे कि आप ले सकते हो यहाँ पर ये कद्दूकश है छोटा वाला और यहाँ पे स्पून वगैरह स्टील के हैं ये सारी चीजें आपको ओनली टेन रुपीज में मिल रही है जो मैंने चीज ली है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने ऐसा दस रुपए में क्या ले लिया है तो दोस्तों

काफ़ी ज्यादा यूज भी होते हैं किचन में फोक भी थे इसके गोल्डन ये सारे दस दस रुपए में थे दोस्तों बहुत ही अच्छे लग रहे थे तो मैंने यहाँ से ये ले लिए थे तो जब मैंने लिए तो भाई यहाँ पर जमकर भीड़ लग गई सभी लोग फिर खरीदने लगे ये वाले गोल्डन वाले स्पून और ये देख सकते हैं कि कितना प्यारा डिजाइन था मैंने यही वाला डिजाइन बाय करा था और हम लोग एक जैसे चूज कर रहे थे कि कौन से देखिए मैं सेट बना रही थी कि सब एक डिजाइन के लेना कोई डिफरेंट डिजाइन मत कर देना क्योंकि बारह में एक डिज़ाइन के ले रही थी और छह में इस दिला रही थी तो मैंने कहा अपने हिसाब से ले लो और साथ ही यहाँ पर आपको ये कोम वगैरह भी दस दस रुपए में बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे ये तो जाहिर सी बात है हर जगह मिलते हैं बट क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और यहां पे पूजा के लिए छोटी छोटी सी थाली में दे रखा था इस टाइप से आप ले सकते हैं ये सारा सामान था और यहीं पर आपको बहुत ही अच्छी बैंगल मिल रही थी तो देख सकते हैं दोस्तों ये रेड रेड लाइट टाइप की आ रही है तो ये सब इन लोगों ने पन्निया ढक रखी थी उसका कलर आ रहा है पचास रुपए में आपको बहुत ही अच्छे कड़े बहुत ही प्यारे-प्यारे से मिल रहे थे देख सकते हैं चार वाले भी हैं और ये सारे डिजाइन दे रखे हैं थोड़ी सी इसकी लाइट की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है अच्छे से और अभी इसी में मैं आपको ₹100 वाले भी दिखाऊंगी ₹100 वाले भी बहुत ज्यादा अच्छे थे तो दोस्तों मेला पूरी तरह से लगा हुआ है आप लोग जल्दी-जल्दी विजिट करिए क्रॉकरी काफी ज्यादा सस्ती और अच्छी भी आपको मिल जाएगी क्योंकि मतलब वो अब लास्ट आने ही वाला है एटीन समापन है लास्ट है तो आप जल्दी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे जितने भी थे बैंगल्स हैं ये हंड्रेड रुपीज़ में आपको मिल रहे हैं इधर वाले जितने भी हैं ये सब भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे सबके डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट से दे रखे थे देख सकते हैं आप दोस्तों और यहाँ पर मैं आपको और दिखाती हूँ थोड़े से इस टाइप के जैसे आप हैवी में लेना चाहते हैं साड़ी वगैरह पे पहनने के लिए या हैवी सूट पे पहनने के लिए कड़ों के साथ लगाते हैं ये सारे हंड्रेड रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे ये सब बहुत ही अच्छे यहाँ पे बैंगल्स लगे हुए थे साथ ही आपको यहाँ पर अभी मैं नेकलेस भी दिखाऊंगी जो आपको डेढ़ सौ रुपए की रेंज में मिल जाएंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे जैसे आप मैचिंग के लेना चाहो तो भी ले सकते हो इस टाइप के ये सब तो शायद सौ रुपये के थे बट मैं इधर आपको डेढ़ सौ वाले दिखाती हूँ तो डेढ़ सौ में आपको इस टाइप के मिल रहे हैं टीके के साथ ये आपको मिल रहे हैं एयर विद टीका ये दे सौ रुपये में आप अपने हिसाब से कोई सा भी कलर ले सकते हो चॉइस कर सकते हो ये सारे नेकलेस लगे हुए थे ये भी बहुत बढ़िया लग रहे थे और इसके अलावा दोस्तों मैं एक और दुकान पे गई जहाँ पर हमें चाहिए थी सीनरी तो ये भी बहुत प्यारी लग रही थी 800 की भैया ने बताई थी क्योंकि संध्या को अपने घर के लिए चाहिए थी तो 800 सौ की बोली थी हम लोग थोड़ा कम करा रहे थे तो इन्होंने बोला बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा साथ में ये तूरे वगैरह हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं अपने घर के लिए वो भी आप ले सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे थे देख सकते हैं सारी सीनरियाँ बहुत खूबसूरत थी यहाँ पर मैं संध्या को ये दिखा रही थी कि अगर आपको इस टाइप से चाहिए हो तो भी आप ले सकते हैं भगवान की मतलब मूर्ति बनी हुई है ये भी आप लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ पे यासीन की भी मिल रही है बहुत ही प्यारी प्यारी फिर यहाँ पर मैं आ गई यहाँ पे ट्रे की दुकान पे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये यह वाली आपको अस्सी रुपये में और ये वाली एक सौ में मिल रही है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी दोस्तों तो काफ़ी बड़ी थी वीडियो में आपको नहीं पता चल रही है बट काफ़ी बड़ी ट्रे थी तो ये ट्रे वगैरह भी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी देख सकते हैं ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको और एक इस टाइप की है ये सब आपको मिल जाएगी यहाँ पर सौ रुपये में अस्सी रुपये में और बड़ी वाली एक सौ अस्सी में प्लेटें थी दो सौ अस्सी रुपये की छः दोस्तों ये जितनी भी फाइबर की प्लेटें लगी हुई हैं गहरी वाली ये भैया ने बताया आपको दो सौ रुपए की छे मिल जाएंगी जब आप लेंगे तो आप थोड़ा बहुत दस बीस रुपए तो कम हो ही जाएंगे ये बहुत बड़ी फाइबर की दुकान लगी जहां पर बहुत ही अच्छी प्लास्टिक का कलेक्शन दे रखा है देख सकते हैं आप यहां पर आप स्ट्रेट प्लेट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं थोड़ी गहरी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं तो तो इस टाइप से हैं और बहुत ही एंटी क्यूनिक मतलब फाइबर में भी सामान मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जैसे सौ रुपए का एक आपको ये वाली ट्रे मिल रही है

खो के बहुत खूबसूरत लुक आएगा साथ ही ये बाउल है बड़ा सा ये सौ का एक है सौ के एक में भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सामान था जैसे इसके भी बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट से डिजाइन के बाउल दे रखे थे ये भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे और देख सकते हैं ये वाला बाउल था काफी ज्यादा गहरा था के गहरा आपको मिल रहा था साथ ही यहाँ पर आपको ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइप की ये ट्रे कुछ एंटिक थी ये मिल रही हैं विद हैंडल के साथ आपको इस टाइप का मिल रहा है जैसे आप इसमें कुछ भी रख सकते हो कोई भी चीजें रखना चाहते हो मल्टीपर्पज इस टाइप की थाल आपको सौ की एक मिल रही थी ये भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी इसका कलर भी था ग्रीन कलर था ऑरेंज था सारे कलर दे रखे थे और हांडी लुक दे रहा था रेस्टोरेंट वगैरह में काफी ज्यादा यूज होते हैं तो इस टाइप के आपको सौ सौ रुपए के एक मिलते हैं ये सब दोस्तों आपको सिर्फ इस मेले ही में देखने को मिल रहे है बाहर अगर आप किसी मॉल वगैरह में ऐसे बर्तन देखोगे काफी ज्यादा आपको महंगे मिलेंगे यहां पर देख सकते हैं आपको ये सब जा रही बहुत ही अच्छी आपको मिल रही है दस दस रुपये में बहुत ज़्यादा अच्छी सारी चीज़ें देख सकते हैं ये सब आप ले सकते हो अपनी पसंद से स्पून वगैरह हैं ये सारी चीज़ें ले सकते हो सूप वगैरह पीने के लिए काफ़ी अच्छे मल्टीपर्पज़ यूज होते हैं और देख सकते हैं जमकर यहाँ पर इनकी दुकान पर भी भीड़ थी क्योंकि दोस्तों बारिश भी हो रही थी और लोग भी आए हुए थे बहुत तादाद में तो भीड़ नहीं थी क्योंकि बारिश की वजह से कोस्टर वगैरह है ये सब भी आपको मिल जाएंगे छह देख सकते हैं इस टाइप से ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी इनकी दुकान पर और आपको भी मैं आगे भी दिखाती हूं यहाँ पर बीस रुपए में एक पीस आपको मिल रहा है यहाँ पर ये वह इस टाइप की ट्रे आपको मिल रही सॉस वगैरह रखने के लिए कटोरियाँ हैं व्हाइट वाली ब्लैक वाली और हैंडल वाली भी कटोरियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी कुल्लड़ वगैरह दे रखे थे ये वाले ब्लैक वाले भी थे और इसका एक मिट्टी वाला भी कलर था ये भी बहुत प्यारा लग रहा था ये सब आपको बीस बीस रुपये में मिल रहा है तो ये देख सकते हैं आप ये वाला कप भी आपको बीस रुपये का एक मिल रहा है ये सारी चीजें बीस बीस रुपए में इसीलिए मैं आपको रेंज भी दिखाती जा रही हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीजें कितने में है और यहाँ पर इस टाइप की प्लेटें भी आपको देखने को मिल जाएंगी जो दो सौ अस्सी रुपए की छः हैं प्ले प्लेन में ये दे रखी हैं दोस्तों देख सकते हैं और यहाँ पे सौ के चार सौ के चार पीस आपको मिल रहे हैं कोई भी फाइबर की आप प्रचे ले लें मतलब इस टाइप की लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं इस टाइप की लेना चाहते हैं मतलब अलग अलग चूज करके भी लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं एक जैसी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको सौ की चार में मिल जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी देख सकते हैं सारे प्रिंट वगैरह सबके अलग अलग दे रखे थे तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही देख रही थी कि मतलब सौ के चार में कितना अच्छा सामान है ये बड़ी बड़ी ट्रे भी हैं ये भी इस टाइप की आपको सौ के चार में मिल जाएंगी जो कि बहुत ही प्यारे प्रिंट दे रखे थे इसके और यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ी ट्रे की दुकान थी जो ऑलरेडी मैं पहले की वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कप की तरफ आई क्योंकि मैंने सोचा अब मेला लास्ट जाता जा रहा है मैं भी कप खरीद लूँ तो यहाँ पर ये मग तो इस टाइप के दस रुपए के एक थे देख सकते हैं ये वाले तो आप ये भी ले सकते हैं दस दस रुपए के एक में और यहाँ पर ये वाले पचास रुपए के छः थे बट मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आए तो इसलिए मैंने यहाँ से ये वाले बाय नहीं करे ये वाले भी ब्लैक वाले अगर आप लेना चाहते हैं तो इस टाइप के ये भी ले सकते हैं सत्तर रुपये के छः में आपको मिल जाएंगे इसके अलावा दोस्तों मैं आपको भी आगे दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीजें लगी हुई थी जहां पर आपको सिपर वगैरह भी देखने को मिलेंगी डेढ़ सौ रुपए की तो ये डेढ़ डेढ़ सौ रुपए में आप सिपर ले सकते हो जिनके वो नहीं थे तो सौ सौ रुपए की भी कर दी थी ओ फ्रेंड्स सिपर वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप से और क्रॉकरी भी बहुत अच्छी है तो मैंने पार्ट फर्स्ट आपको मैं दिखा रही हूँ पार्ट सेकेंड भी मैं इसका लेकर आऊँगी वो भी दिखाऊंगी इसमें अच्छे से आपको मैं क्रॉकरी दिखाऊंगी यहाँ पर ये सारे ढाई के छः वाले ग्लास थे और यहाँ पर ये लगे हुए थे पचास के छः कप तो देख सकते हैं पचास के छः में बहुत सारे कप थे तो आप अपने चॉइस से ले सकते हैं जो सभी आपको लेना हो तो हम भी इसमें देख रहे थे इसके आगे मैं थोड़ा सा बड़ी इसी दुकान में तो वो सौ के थे तो सौ वाले भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे पचास वाले भी बहुत ज्यादा अच्छे थे चालीस के भी आपको देखने तो दे, देख दे तो यहाँ पर ये वाले सौ रुपए में आपको छ मिल रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे देख सकते हैं गोल्डन पे दे रखे सौ के छे में तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर भी मुझे यहाँ पर मिली तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग तो प्यार देते हो और सामने दोस्तों अभी मैं आपको दिखाती हूँ लुट्टस मची थी पाँच पांच रुपए में छाटो बीनो कप थे तो लोग पागल हुए जा रहे थे बीनने में लगे हुए थे आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी बाय